यश चोपड़ा की कंपनी की पहली फिल्म को 48 साल पूरे। साहिर ने लिखा, एक चेहरे पे कई चेहरे, याद रहता है किसे गुजरे जमाने का चलन, सर्द पड़ जाती है चाहत, हार जाती है लगन, अब मोहब्बत भी है क्या एक तिजारत के सिवा, हम ही नादां थे जो उड़ा भी थी यादों का कफन, वरना जीने के लिए सब कुछ भुला देते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। साहिर लुधियानवी का ये गाना हर उस इंसान की हकीकत है जिसके दामन पर कोई न कोई दाग लगा है और जो जीते रहने के लिए हमेशा एक नई कहानी के इंतजार में रहता है। मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा की कहानी पर बनी फिल्म दाग प्रसिद्ध लेखक थॉमस हार्डी के उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से प्रेरित मानी जाती है। फिल्म दाग को हिंदी सिनेमा का मिल्का पत्थर माने जाने में इसके संवादों का बड़ा हाथ है, जिन्हें लिखा था उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे शायर और लेखक अख्तर उल ईमान ने। अख्तर उल ईमान इस फिल्म के पहले तक भी 8 फिल्म समय मासिक वेतन पर लिखते रहे थे। दाग ने उनके करियर की रफ्तार बदल दी। आज के बाइस्कोप में कहानी इसी फिल्म दाग की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं फिल्म का ये कालजयी गाना। बात सन 1970 की है कि बम्बई के हर दूसरे प्रोडक्शन हाउस में एक ही बात की चर्चा चलती रहती थी और वो ये कि बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा के छोटे भाई ने अपनी अलग फिल्म कंपनी खोल ली है। यशराज चोपड़ा को अपनी नई कंपनी खोलने का ख्याल भी आया तो राजेश खन्ना की वजह से ही। आखिरकार राजेश खन्ना का करियर डूबने से यश चोपड़ा ने ही तो बचाया था। यश चोपड़ा तब बी.आर. फिल्म्स के लिए काम किया करते थे और राजेश खन्ना की शुरू की पांचों फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। यश चोपड़ा उन दिनों फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग कर रहे थे जब सायरा बानो के बीमार पड़ते ही शूटिंग रुक गई। सायरा बानो ठीक होकर लौटी कोई महीने भर बाद और इस बीच सिर्फ 28 दिन के शूट में यश चोपड़ा ने बना डाली फिल्म इत्तेफाक, जो राजेश खन्ना के करियर की पहली हिट फिल्म बनी।